वेलकम बैक टू अवर चैनल एएस स्टडी अप। दोस्तों आज मैं आप लोगों को गोले लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ाऊंगा, किस प्रकार से चिन्ह परिपाटी होती है बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही आसान तरीका होगा, बहुत सिंपल। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम लोग लेंस के लिए ज्ञात कर रहे हैं, हमने दर्पण के लिए भी ज्ञात करके रखा है। अगर आप लोगों को दर्पण के लिए चाहिए तो मेरी दर्पण का वीडियो देखकर आप लोग सीख जाएंगे किस प्रकार से हम लोग दर्पण में चिन्ह परिपाटी ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार हम लेंस में चिन्ह परिपाटी ज्ञात करेंगे। तो दो प्रकार का लेंस लिया, एक लिया हमने उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये वाला जो है हमारा उत्तल लेंस है, और नीचे वाला जो है अवतल लेंस है। हमने आपको पढ़ाया भी था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो भी जान लीजिए कि उत्तल लेंस जो बीच में मोटा उत्तल लेंस, और जो बीच में पतला अवतल लेंस, या तो जो बीच में मोटा किनारा पतला उत्तल लेंस, और बीच में पतला और किनारे पर मोटा अवतल लेंस। इसका मैंने वीडियो बना के रखा है, आप लोग उससे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इन दोनों का हम लोग समझेंगे किस प्रकार से चिन्ह निगत करते हैं, कब कब उत्तल लेंस प्लस माइनस होगा UVF, और कब कब अवतल लेंस में UVF माइनस का होगा प्लस का होगा, ये हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में हमेशा प्रकाश किरण बाई ओर से नापी जाएगी। कहां से नापी जाएगी, बाई ओर से। कहां से नापी जाएगी, बाई ओर से। इसे मान लीजिए कि ये कोई एक वस्तु है, ये कोई एक वस्तु है। अब हमेशा प्रकाश किरण कहां से नापी जाएगी, बाई ओर से। तो वस्तु का नाम दे दिया हमने, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। आप लोग जानते हो कि हमने आपको इससे पहले जब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि एक किरण जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये उत्तल लेंस है और ये इस पर मैं अभिलंब डाला और ये हमारा प्रकाशित केंद्र है। तो एक किरण जाता है मुख अक्ष के समांतर, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर जाने के बाद ये हो जाता है अपवर्तित, इस प्रकार से। क्लियर दोस्तों, ये हो जाता है अपवर्तित। किससे अपवर्तित होता है, फोकस से। ये हो गया इसका फोकस। तो ये हो गया वस्तु, ये हो गया फोकस। अब एक किरण जाता है प्रकाशित केंद्र से, एक किरण जाता है प्रकाशित केंद्र से। दोस्तों फिर से समझिए, ये वस्तु है, एक किरण जाता है हमारा मुख अक्ष के, ये जो हिस्सा है हमारा ये है मुख अक्ष। एक किरण जाता है मुख अक्ष के समांतर, ये किरण जा रही है मुख अक्ष के समांतर। एक किरण जाती है प्रकाशित केंद्र से, दोनों जहां मिलेंगे वहां पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। ये बन रहा है प्रतिबिंब, जो कि है ए डैश बी डैश, जो कि क्या है ए डैश बी डैश, हमारा क्या है प्रतिबिंब। ये क्या है वस्तु, ये क्या है हमारा वस्तु, ये क्या है हमारा प्रतिबिंब। अब मुख अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो फोकस होकर जाती है। क्लियर हो गया, इसमें समझिए, यहां पर कोई वस्तु रखा हमने, एक किरण जाती है मुख अक्ष के समांतर, और ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। तो ये अभिलंब से क्या होता है कि इस प्रकार से ये प्रकाश की प्रकाश निकलेगी। अब दूसरा प्रकाशित केंद्र से आता है। दोस्तों एक चीज और आप लोग सीख लीजिए, जो किरण प्रकाशित केंद्र से जाएगा वो सीधी निकल जाती है। तो ये जो प्रकाशित केंद्र से जाती है ये एकदम से सीधी निकल जाती है, ये किरण सीधी निकल जाती है, ये किरण सीधी निकल जाती है, और इस कण का अपवर्तन होता है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों किरण जहां मिलती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो जिंदगी में कभी भी ये दोनों किरण मिलेगी नहीं, क्योंकि ये किरण उधर जा रही है ना, तो कभी नहीं मिलेगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे खींच के लेके आते हैं, कहां लेके आएंगे, फोकस पे आएंगे, फोकस। क्योंकि ये किरण मुख अक्ष के समांतर जब जाती है उसके बाद फोकस पे होकर जाती है। अब ये दोनों किरणें जहां मिलती है, ये किरणें और ये किरणें जहां मिलती है वहां प्रतिबिंब बनता है। ये बन रहा है प्रतिबिंब, जो कि इसका नाम अगर हम लोग ए और बी रहते हैं तो ये हो गया आपका ए डैश और ये हो गया आपका बी डैश, जो कि है क्या प्रतिबिंब। अब दोस्तों कंडीशन समझिए, इतना अगर आप लोग समझ चुके हो तो कंडीशन समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा प्रकाश किरण होता है सदैव बाई ओर से लिया जाता है। ये वाला हो गया हमारा बाई ओर, ये हो गया बाई ओर, और ये हो गया दाई ओर। प्रकाश
प्रकाश किरण सदैव बाई ओर से आती है और दाई ओर जाती है। क्लियर, प्रकाश किरण सदैव बाई ओर आती है, दाई ओर जाती है, जो कि भी लिखा है। लेंस पर प्रकाश किरण सदैव बाई ओर से ही डाली जाती है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, बाई ओर से डाले। इसके बाद लेंस समस्त दूरी और प्रकाशीय केंद्र मुख अक्ष के अनुदिश में आती है। प्रकाश की किरण हमेशा बाई ओर से आएगी, दाई ओर जाती है, और जो भी दूरी नापना है हमें प्रकाश केंद्र से नापेंगे, यानी यहां से दूरी नापेंगे। दूरी कहां से नापेंगे? यहां से। दूरी कहां से नापेंगे? यहां से। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी या धनात्मक और विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। आपतित किरण यानी इधर की ओर किरण धनात्मक होगी, मतलब ये जो मान है हमारा, ये होगा प्लस का और ये होगा माइनस का, ये वाला होगा प्लस का और ये वाला होगा माइनस का, क्योंकि अभी बता रहे हैं आपको इधर से प्रकाश किरण आ रही है और हम लोग दूरी इधर से अगर नाप रहे हैं तो उल्टा दिशा जा रहे हैं हम लोग, प्रकाश किरण के विपरीत जा रहे हैं तो माइनस का, और प्रकाश किरण भी इधर इधर है और हम लोग दिशा का इधर नापेंगे, इधर प्लस का। क्लियर हो गया। मुख अक्ष के ऊपर की ओर प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक, यानी मुख अक्ष अगर ऊपर कोई चीज नापते हैं धनात्मक, नीचे की ओर नापेंगे तो ऋणात्मक। अगर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे की ओर आते हैं तो ऋणात्मक, अगर नीचे की ओर आते हैं तो ऋणात्मक, अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक, अगर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक। इसमें भी अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक, ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक, नीचे की ओर आते हैं तो ऋणात्मक, नीचे की ओर आते हैं तो ऋणात्मक। इतना तो क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमने नोट पे लिख दिया उत्तल लेंस में हमेशा एफ प्लस का होगा, वी प्लस का होगा और यू माइनस का होगा। कैसे? उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस, इसका फोकस कहां पे? ये देखिए, इस प्रकार से किरण की दिशा भी इधर और प्रकाश के केंद्र से फोकस दूरी की दिशा भी इधर, इधर से किरण की दिशा भी इधर, फोकस की दिशा भी इधर, तो एफ किसका हो गया? प्लस का। वी, वी मतलब प्रतिबिंब, ये बन रहा है प्रतिबिंब यहां पे, तो प्रकाश केंद्र से इधर की दिशा में नापेंगे हम लोग, प्रकाश किरण भी इधर और प्रतिबिंब की दिशा भी इधर, तो वी क्या होगा? प्लस का। अब यू माइनस का होता है, यू माइनस कैसे होता है? प्रकाश की किरण की दिशा इधर और यू नापने के लिए हम लोग यहां से जाएंगे इधर, तो यू क्या होगा? माइनस का। क्लियर हो गया दोस्तों। अवतल लेंस में आते हैं, एफ माइनस का, वी माइनस का, यू माइनस का। कैसे? यहां पे है हमारा वस्तु, यहां पे क्या है हमारा वस्तु, जब हम लोग प्रकाश केंद्र से नापने जाएंगे तो प्रकाश किरण की दिशा इधर और हम लोग इधर प्रकाश केंद्र से नापेंगे इधर, तो हमारा यू क्या हो गया? माइनस का। फोकस भी है यहां पर, हम लोग नापेंगे प्रकाश किरण की दिशा इधर और फोकस नापने जाएंगे इधर, तो फिर से हम लोग विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो एफ भी क्या होगा? माइनस का। और ये बन रहा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब यानी प्रकाश किरण की दिशा इधर और प्रतिबिंब भी नाप रहे इधर, तो प्रतिबिंब भी बन रहा हमारा माइनस का। लिख देते हैं दोस्तों, या ये वाला हिस्सा हो गया हमारा वस्तु की दूरी यहां से यहां तक, कहां से कहां तक? प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी, प्रकाश केंद्र से यहां से यहां तक हमारा हो गया फोकस दूरी, और यहां से प्रकाश केंद्र से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो होता है हमारा बिंब की दूरी। ये होता है प्लस का, ये भी होता है प्लस का, लेकिन ये होता है माइनस का। यहां से यहां पे लिख देते हैं, पहले हो गया हमारा जो वस्तु की दूरी है माइनस का प्रकाशित केंद्र से, फिर प्रकाशित केंद्र से, प्रकाशित केंद्र से हमारा जो फोकस दूरी है ये हो गया माइनस का, फिर प्रकाशित केंद्र से जो वस्तु की बिंब की दूरी है, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी जो है वो भी माइनस का। क्लियर हो गया दोस्तों। तो फटाफट आप लोग काम कीजिए, इसको अपने काम में नोट बना लीजिए और इसको चित्र से अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए, जिससे कि आपको अच्छी तैयारी हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? बाकी अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, इससे कि आपके दोस्तों को भी आपके जैसा हेल्प होगा। दोस्तों अपने मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।